हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और ये जो है ये वृंदावन का हमारा पार्ट 3 है। तो ये गुरु अनिरुद्धाचार्य जी के मतलब जहाँ पर वृद्ध माताएं रहती हैं तो वहाँ पर भी हम लोग गए थे देखने के लिए। तो ये सारी वृद्ध माताएं हैं और इन लोगों का रूम इतना ठंडा है, शायद मैंने पहले भी आप लोगों को इसके पहले वीडियो में बताया है, लेकिन इतना ठंडा है, एसी वगैरह सब जगह फिट है, यानी कि वहाँ कुछ किसी भी चीज़ की कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पर सारी माताएं रहती हैं, यानी कि मैं ये जाती हूँ जैसा उन्होंने बताया था, उसमें कहीं पर कोई झूठ कोई फरेब कुछ भी नहीं था। तो वाकई में पूरा का पूरा वैसे ही है। और वहाँ से वापसी होते समय मैं आ गई थी फिरोजाबाद। तो यहाँ पर हम लोग हैं, मैं हूँ अपनी भांजी के यहाँ, और भांजी के घर की ज़्यादा वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि उनके घर को ज़्यादा पसंद है कि नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं शूट किया। तो शाम टाइम मैं गई थी, मतलब मॉर्निंग में आ गई थी, शाम टाइम गई थी मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पर करौली माता का शायद मंदिर है, करौली माता की केली माता का मंदिर है, तो वहाँ दर्शन करने गई थी। तो वहाँ वीडियो बनाना नॉट अलाउड था, तो इसलिए मैंने वहाँ पर वीडियो नहीं बनाई। और बगल में भोले बाबा की मंदिर थी, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ की थोड़ी सी बना लेती हूँ, लेकिन वहाँ बनाई तो वहाँ पर भी जो पुजारी लोग थे तो उन लोगों ने मना कर दिया। और देखा आप लोगों ने कि वहाँ का शिवलिंग कितना बड़ा है, बहुत बड़ा सा था, लेकिन उन्होंने जब मना कर दिया तो फिर मैंने नहीं बनाया। और ये मंदिर के बाहर की सीन है, तो फिर अब मतलब काफ़ी दिनों के बाद गई थी तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो वगैरह यहीं पर शूट कर लेती हूँ। और ये जो है ये ब्लू कलर की कुर्ती आप देख रहे हो ना, तो ये मेरी किरण की मतलब जिठानी है, ये किरण की जिठानी है और वो किरण आ रही है। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो शायद आप लोगों को याद हो। तो और ये जो है किरण है और किरण के मामा खड़े हुए हैं, और किरण गई थी पानी लेने के लिए, बाबू भी मेरा खड़ा हुआ है। और ये मतलब मंदिर के बाहर की सीन है, तो इसमें नाम लिखा हुआ था लेकिन रात का टाइम था ना, तो उसमें रोशनी पड़ रही थी, तो इस वजह से उस मंदिर का नाम नहीं आ पाया। मुझे लगता शायद केली देवी या करौली माता का ऐसा ही कुछ मंदिर है। और जब बाहर निकली तो बाहर यहाँ पर मतलब जैसे कि मेला वगैरह होता है ना, थोड़ा सा फूल होता है, थोड़ा सा प्रसाद होता है, तो उस तरह से सजावट थी। और फिर घर आने पर ये बाबू लेकर आया था मोमोज, तो मैं मोमोज दिखा रही थी, यहाँ के लंबे लंबे मोमोज थे, जैसे मिर्ची होती है ना उस तरह के मोमोज थे। और यहाँ पर ये चूड़ियों का हो रहा है काम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि चूड़ियाँ जो टूटी होती है ना उसमें चटक जोड़ी जाती है, चटक बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर मेरी किरण की जिठानी जो है उसी की जुड़ाई कर रही है, और हम लोग बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। और वो जो है किरण की जो है जिठानी की बड़ी बेटी है, वो बेटा है, और बाबू को तो आप लोग पहचानते हो। एक छोटी बेटी है, किरण की सास है, मतलब सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मोमोज खा रहे हैं। तो मुझसे भी बोले खा लो, मैंने कहा मैं नहीं खाऊँ, क्योंकि जहाँ से ये लोग लेकर आए थे वहाँ नॉनवेज की दुकान थी, तो इसलिए मेरा कतई मन नहीं हुआ, इसलिए मैंने नहीं खाया। और यहाँ पर ये हो रही है चूड़ियों की पैकिंग, तो ये जो मेरे भांजा दामाद हैं तो वो चूड़ी की पैकिंग कर रहे हैं। तो कह रहे मम्मी आप मेरी वीडियो बना रहे हो, अरे हमने कहा थोड़ा सा ले लेने दो, वैसे भी कहाँ आना जाना होगा अब। तो बस फिर यहाँ पर भी थोड़ी सी वीडियो शूट करी, और नेक्स्ट डे मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, यानी कि हद से ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ये रात मतलब यहाँ पर रहो ना तो रात में ऐसा लगता है जैसे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, रात तो यहाँ बिल्कुल पता ही नहीं लगता। और ये जो है कलर जो है ना ये चूड़ियों में ही लग रहा था। तो किरण की जो भांजी थी ये छोटी वाली मतलब भतीजी बोलेंगे बेटी बोलेंगे क्या बोलेंगे मुझे भी नहीं पता है, जिठानी की छोटी वाली बेटी है, तो कहती मामी आपके नेल बड़े बड़े हैं लाइए, तो मैं नेल पॉलिश लगा देती। मैंने कहा चलो ठीक है लगा दो। तो वही मेरे साथ मतलब खेल रहे थे, खिलवाड़ समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, बच्चों के साथ बच्चे बन जाती हूँ और बड़ों के साथ बड़ी बन जाती हूँ, तो वही कंडीशन है। कहती मामी मैं लगा दूँ, मैंने कहा ठीक है लगा दो। और ये कंगन आप लोग जो देख रहे हैं मैंने आगे पहना हुआ है ना, ये मैं वृंदावन से लेकर आई थी, राधे राधे का कंगन है और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये कंगन मैं लेकर आई थी। तो यहाँ पर ये जितनी चूड़ियाँ रखी हुई हैं तो उसमें ये सारे कलर वगैरह जो है लग रहे हैं, तो ये देखिए ये लग रहे हैं ना इसी तरह से, ये इसमें कलर वगैरह लगते हैं, मैंने भी नहीं देखा था, मैं भी फर्स्ट टाइम देखी हूँ। और ये देखिए मैंने बताया था ना नेक्स्ट डे मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी,
तो मैं ऐसे ही फर्श पे लेटी थी और किरण की जीठानी जो है इधर की ओर चूड़ियों का काम कर रही हैं, तो मैं भी चूड़ियाँ लेकर देख रही थी, मुझसे उठा नहीं जा रहा था, बहुत से ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पर आ चुकी हूँ अपने घर, तो ये कपड़े वगैरह धोकर डाली थी, तब वैसे बारिश हो गई, तो सारी रस्सी मैंने कमरे में बांध दी और उसके ऊपर कपड़े सारे फैला दिए, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो सब कपड़े ऐसे ही सूख रहे हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ चने की तैयारी, तो यहाँ पर मेरा चना जो है बॉयल हो चुका है, तो अब उसको क्या करना है, उसमें नहीं बॉयल नहीं हुआ, उसको मैंने हल्का सा जीरा डाल, जीरा हल्दी हींग डालकर केवल छौंक दिया था और बस वो पक गया है, तो उसमें अब थोड़ा सा प्याज हरी मिर्च डालकर सजा लूँगी, क्योंकि मुझे प्याज और मिर्ची डालकर खाना बहुत अच्छा लगता है। और बाबू को मिर्ची नहीं डालूँगी, और बाबू में मिर्ची नहीं डालूँगी और पतिदेव मिर्ची नहीं डालूँगी, क्योंकि ये लोग मिर्ची थोड़ा कम खाते हैं और मुझे अच्छा लगता है। तो गाइस ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है ना ज़्यादा छोटी है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो हमारी कैसी लगी और वृंदावन टूर हमारा कैसा लगा और गुरु अनिरुद्धाचार्य जी के वृद्ध आश्रम जो दिखाया वो कैसा लगा आप लोगों को, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, मुझे पता है आप लोगों ने देखा होगा, टीवी के माध्यम से देखा होगा, गए होंगे तो भी देखा होगा, लेकिन मैं तो फर्स्ट टाइम मतलब वृंदावन गई हूँ, लेकिन ये गुरु जी का नाम मैंने पहली बार सुना था, तो मैंने कहा जब आई हूँ तो फिर दर्शन कर ही के चलती हूँ, लेकिन मैं दर्शन करने के लिए गई, लेकिन जिस दिन दर्शन करने के लिए गई उस दिन वो जा चुके थे कहीं बाहर ही, उनका मतलब भागवत होनी थी तो वो थे नहीं, तो इसलिए मैं उनके दर्शन नहीं कर पाई, तो मैंने कहा चलो वृद्धाश्रम ही घूम लेते हैं, तो वृद्धाश्रम घूमा और पूरी रियलिटी सब कुछ आप लोगों के सामने है जो भी कुछ है। और मैंने आम भी काट के रख लिया है, तो आज ये संडे का दिन है, हाँ ये तो बताना मैं भूल गई कि ये जो है दिन है संडे का दिन है, तो आज हमारी मॉर्निंग का नाश्ते में चना है, आम है, तो बस आज हम लोगों का नाश्ता यही होने वाला है, तो आप लोग भी आ जाइएगा। ये देखिए ये मिर्ची लेकर आई ना, मैं अपने में मिर्ची डालूँगी, बाकी किसी के में मिर्ची नहीं डालूँगी। तो गाइस लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंटों का इंतज़ार मुझे मतलब बहुत 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 ज़्यादा रहता है, है ना। और गर्मी तो इतनी मतलब विकट की पड़ रही है कि कुछ पूछे ना, गर्मी मतलब बेहिसाब पड़ रही है, ऐसी गर्मी पड़ रही है कि मैं बता नहीं सकती, कपड़े पूरे गीले हो जाते हैं पसीना से, फिर काम करने का कुछ भी मन नहीं होता है कि मतलब इसके बाद मैं कुछ काम कर सकूं, तो और जब पसीना वगैरह निकलता है ना तो ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस टाइप में आ गई है। तो ये देखिए ये हो गया हमारा चना तैयार, तो आ जाइए आप लोग भी, चलिए चलते हैं इसको बाहर ले चलते हैं, और तो आ जाइए आप लोग भी संडे का बढ़िया बढ़िया नाश्ता करने के लिए, मैंगो है और वो उसे क्या बोलते हैं चना है, तो चलिए गाइस मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।